दोस्तों, आपने गुलदाउदी के पौधे तो लगाए होंगे और उसमें जो है फ्लावरिंग भी अच्छी ली होगी। तो गुलदाउदी के पौधे को जो होता है वो जैसे इस सीज़न में हमारा सर्दियों में चल गया है, उसमें से फ्लावरिंग ले गई है, उसके बाद उसमें से फ्लावरिंग आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि गुलदाउदी का पौधा जो है एक ही बार फ्लावरिंग करता है सर्दियों में। आप उसको अगले साल के लिए कैसे बचा सकते हैं और उनसे नए पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं गुलदाउदी के पुराने पौधों से, वो मैं पूरा वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, जो गुलदाउदी के जो पौधे होते हैं, आपके भी अगर पौधे इस प्रकार से हो गए, देखिए इसमें से आप दोबारा फ्लावरिंग नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे कि ये जो नए पौधे आ रहे हैं इसमें फ्लावरिंग होगी, ऐसा होता नहीं है। इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती है, और होगी भी तो एक दो फूल आएंगे, वो भी बहुत छोटे। ये देखिए इस प्रकार से फूल आएंगे, देखिए ये भी अभी आ रहे हैं क्योंकि ये सर्दियों का समय है, लेकिन आप बाद में इसमें फ्लावरिंग नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं बताऊंगा आप गुलदाउदी के पौधे को कैसे अगले सीजन के लिए बचा सकते हैं। और जो ये पुराना पौधा है आपका, इसके जो जो इसमें फूल वगैरह खिले हैं, देखिए फूल खिले हैं और पत्ते भी हैं इसमें अभी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो जो फूल जो मुरझा जाते हैं, इनका भी यूज मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। इनका यूज भी बहुत अच्छा होता है, आप खाद के रूप में इनका यूज कर सकते हैं। और जो नए पौधे हैं उनको कैसे बनाना है अगले साल फ्लावरिंग के लिए, वो भी पूरा वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे आपका ये गुलदाउदी का पौधा है, ये है आपके अलग अलग कलर के गुलदाउदी के पौधे होंगे, कोई येलो होगा, कोई पिंक, कोई रेड, इस प्रकार से पौधे होंगे। तो उसको उसी प्रकार से आपने पौधे तैयार करने हैं। सबसे पहले जो है आपके फूल हैं, देखिए इनको इस तरीके से आप फूलों को कट करके अलग कर दीजिए, सारे फूल जितने हैं। उससे क्या होगा, ये फूल कट हो जाएंगे, उसके बाद ये पौधा अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब पौधे में फूल खिल जाते हैं उसके बाद उसकी एनर्जी फूलों के बीज बनाने में वेस्ट होती है। तो इस प्रकार से आपने जो फूल कट कर रखे सारे पौधों के कर लीजिए फूल कट। और इनसे जो खाद बनाने की तकनीक है, जो तरीका होता है इनसे जो फूलों से खाद बनाने का, बहुत अच्छी खाद बनती है इसमें, क्योंकि हर प्रकार के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। तो इससे जो आप खाद बनाने के लिए तरीका है वो मेरे चैनल में देख सकते हैं, मैंने इसका वीडियो पूरा वीडियो बना रखा है। तो और उसके बाद जब आपका पौधा, देखिए ये है, आप इसको निकालेंगे इस तरीके से, देखिए ये पूरा इस समय जो है पूरा जड़ देखिए कितनी फैल गई है इसमें। ये देखिए इसमें कुछ नए तो पौधे जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो आ जाते हैं, देखिए ये जड़ से ही जो निकल जाते हैं पौधे इस तरीके से। आप इनको भी यूज कर सकते हैं अपना पौधा तैयार करने में। और जो मदर प्लांट है इसको आप पूरा अच्छे से कट कर दीजिए, इस तरीके से आप कट कर देंगे तो इनकी जो कटिंग है वो भी लगा सकते हैं आप, जो कट कर रखे इनको भी आप कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं। इसको आप इस तरीके से कट कर देंगे, जितने पत्ते हैं इसके खाली ऊपर के पत्ते रखेंगे, उसके बाद इसको मिट्टी में लगा देंगे एलोवेरा जेल लगा के। तो ये इस समय जो बरसात हो रही है, हल्की हल्के मॉइस्चर बना है जो मौसम में, तो आपके जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बरसात में अच्छे पौधे जो है कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो इस समय आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इस समय पौधा। आपके पास अगर गुलदाउदी के पौधे नहीं है तो कटिंग से ग्रो कर लीजिए। और उसके बाद देखिए जो मदर प्लांट है इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, मदर प्लांट की जो ये है, ये मैंने जो कट कर रखा, आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। उसमें से जब नई ग्रोथ आएगी तो अगले साल के लिए आपका पौधा तैयार हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो इसके बेबी प्लांट हैं, आप कलर के हिसाब से जो इसके बेबी प्लांट हैं उससे भी पौधा तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए जो इसकी मिट्टी है वो थोड़ा सा निकाल देंगे, इसमें जड़ें बहुत फैल जाती हैं, इस तरीके से आप इसकी मिट्टी पूरी निकाल देंगे, जो इसकी जड़ें हैं वो सब निकल जाएंगी हल्की हल्की। आप सोचोगे कि ऐसा करने से पौधा खराब हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से मिट्टी इसकी निकाल देंगे, उसके बाद जो बेबी प्लांट है आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से बेबी प्लांट, देखिए इसमें रूट्स बनी हुई है। देखिए अगर आप इसको नया पौधा तैयार करेंगे तो आसानी से तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। देखिए जो ये बेबी प्लांट्स और जो इसका मदर प्लांट है, इस प्रकार से मैंने निकाल के रख दिए। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे तैयार करने हैं, आपको ज़्यादा गमले हैं आपके पास, तो आप ज़्यादा पौधे तैयार कर सकते हैं। मेरे पास अभी थोड़ा ये 8-10 गमले हैं, इनमें से मैं सोच रहा हूँ 2-3 गमले इसमें यूज कर लूँ, और बाकी जो रहता है अपना खाली वेस्ट ना हो इसमें एक ही गमले में, तो जैसे हम फूल लगाते हैं और उसमें यूज हो जाएंगे, इसलिए
इनको दो ही गमलों में लगाऊंगा मैं भी। जैसे बेबी प्लांट आपने निकाल दिए, इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार करेंगे, जो ये गार्डन सॉइल आपने जो इसके लिए निकाली थी उसी को दोबारा यूज कर सकते हैं। उस देखिए उसके लिए आप जो एक गार्डन सॉइल है इसका एक हिस्सा अभी एक गमले में इस तरीके से डाल दीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको जो आपने फूल रखे थे इनको कैसे यूज करा जाता है। जो फूल सूखे हुए फूल थे और जो इसके पत्ते और जो पुराना प्लांट है जो ये बचा था इसको कैसे यूज करेंगे आप, इसको जो मिट्टी डाली है इसके ऊपर से ही इसको इस तरीके से डाल दीजिए और इसमें मिट्टी भर दीजिए। इससे क्या होगा, जो फूल और जो पुराना प्लांट है ये कुछ दिनों में डिकम्पोज हो जाएगा और पौधे में खाद की पूर्ति हो जाएगी। इस प्रकार से आप इसको भी यूज कर सकते हैं पुराने फूलों को। और इसमें एक चीज़ और आप जरूर डालें, ये देखिए यह है लकड़ी की राख। लकड़ी की राख यूज होती है जो पौधों में फंगस लग जाता है उसके लिए भी यूज होती है, और जब पौधों में कीड़े वगैरह लगते हैं आपने देखा ही होगा। मैं हर समय जो अपने पौधों में यूज करता हूँ हर 8-10 दिन में लकड़ी की राख का यूज जरूर करता हूँ। कई लोग जो होते हैं इसके लिए आपको फंगीसाइड और कई चीज़ें बताएंगे जो केमिकल होती है, मैं जो लकड़ी की राख है इसी को यूज करता हूँ क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत है अपने पौधों के लिए और इससे फंगस भी नहीं लगता है और मिट्टी में जो दीमक और कीड़े वगैरह लगते हैं वो लगने की संभावना कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसमें मिट्टी तैयार कर देंगे, पुरानी मिट्टी आपकी यूटिलाइज भी हो जाएगी और पौधा भी आराम से इसमें जड़ पकड़ लेगा। ये देखिए जो मैंने पुराने जो प्लांट है मेरा मदर प्लांट उसकी में देखिए कितनी जड़ें हैं, आप इसको भी लगा दीजिए। अगर आपके पास पौधे अलग अलग जैसे कलर के होते हैं तो आप एक ही गमले में अलग अलग कलर के भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि कौन सा कलर कौन से गमले में लगा रखा ये ध्यान रख सकते हैं आप। और एक गमले में लगा रहे हैं तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कौन सा कलर का पौधा है। तो इस तरीके से जो बेबी प्लांट है उनको भी लगा दीजिए इसी मिट्टी में। तो आप जब ये इसके लिए जो मिट्टी तैयार करी थी आप ये भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो मिट्टी आप मार्केट से मंगाते हैं, कई लोग जो होता है मिट्टी नहीं मिलती है तो आप पॉटिंग सॉइल मंगाते हैं मार्केट से, वो भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये मिट्टी आपकी इसमें यूज हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप बेबी प्लांट तैयार कर दीजिए। एक चीज़ और ध्यान देनी है आपने, जब भी ये इसमें पानी डालेंगे तो ये देख लेना है कि जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है तभी इसमें पानी डालें, नहीं तो ये पौधा जल्दी फंगस पकड़ लेता है, पानी की वजह से गल जाती है इसकी रूट्स। इनमें खाद की तो ज़रूरत नहीं है, आप खाद इसमें ना डालें तभी ये थोड़ा सही रहेंगे, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ तो होती नहीं है ज़्यादा, तो आप इसमें खाद डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसमें कोई खाद ना डालें और इनको जो है आप धूप में रखिए तभी ये अच्छे चलेंगे। जब गुलदाउदी के पौधे में ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी तब आप इसमें थोड़ी थोड़ी खाद डाल सकते हैं, जो किचन वेस्ट से तैयार जो खाद होती है लिक्विड खाद, या आप जब किचन वेस्ट से देखते होगे आप खाद निकलती है तो उसको इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे केले के छिलके की खाद बनाते हैं कई लोग, चाय पत्ती की खाद होती है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप केमिकल खाद का यूज ना करें, गोबर की खाद यूज कर सकते हैं और किचन वेस्ट से तैयार जो खाद होती है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल खाद है उसको यूज करेंगे तो पौधा आपका खराब हो सकता है क्योंकि इसमें अभी फ्लावरिंग वगैरह तो होती नहीं है, तो केमिकल खाद इस पौधे को जला देगी। इसे आप जब रखते हैं तो इसको पूरे दिन की धूप में रखिए, धूप में ही पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करेगा। और जब गर्मियाँ जब स्टार्ट हो जाती हैं, आपने गर्मी में रखा है पौधा तो उसमें थोड़ा सा अगर छाया वाली जगह मिल जाए इसको तो ये पौधा आपका सर्दियों के लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने गुलदाउदी के पुराने पौधे को बचा सकते हैं और उससे नए पौधे कैसे तैयार करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर भी करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद।